हेलो एवरीवन सो टुडे आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस तो ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये आपके पेपर में एट मार्क्स या सेवन मार्क्स तक पूछा जा सकता है और मैक्सिमम दस मार्क्स तक के लिए भी ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर में आ सकता है फिलहाल अगर हम देखें तो क्वेश्चन में रेसिडेंशियल स्टेटस आपको ढूंढना है हम धीरे धीरे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे ये आपका ऑप्शनस में जा सकता है कैलकुलेशन बिकॉज अगर हम देखें तो सैलरी हाउस प्रॉपर्टी उसके ऊपर के क्वेश्चन आप पेपर में इजी तरीके से अटेम्प्ट कर सकोगे और उसमें फुल मार्क्स मिल भी सकते हैं सो देन टू वी विल बी स्टडिंग दिस सो आप अपने बेसिस पे डिसाइड करना इसको एग्जाम में सॉल्व करना है या नहीं करना है पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है So, question number one says Mr. Alex comes to India on 1st June 2019 and was in India for 25th September 2019. Prior to this, he was not in India. Determine his residential status for assessment year 2021. So, pointe Hamara assessment year. So, what is our assessment year? We have already discussed our assessment year is 2020-2021. Our previous year is 2019-2020 तो ये हमारा प्रीवियस ईयर है ये हमारा असेसमेंट ईयर है दोनों आपको ध्यान से देखना है और हर क्वेश्चन में हमारे यही रहेंगे ठीक है अभी जो मिस्टर एलेक्स है ये जो एलेक्स पर्सन है ही कम्स टू इंडिया ऑन फर्स्ट जून हमें ये देखना है कि वो इंडिया में कितने दिन रहा हाउ मच ही स्टेइंग इन इंडिया वी हैव टू कैलकुलेट दैट तो जो कैलकुलेशंस है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है नंबर वन

और अगर कभी एक्सेप्शन एप्लीकेबल होगा तो एक्सेप्शंस भी लिखना है तो जैसे कंडीशन हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किए थे वो सबसे पहले आपको यहां पे कॉपी करने हैं ठीक है थीके? अभी स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ बेसिक चीजें लिखेंगे वो आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है नेम ऑफ द असेसी सो असेसी का नाम यहां पे मैं लिखूंगा क्या है असेसी का नाम मिस्टर एलेक्स ठीक है नेक्स्ट इज लीगल स्टेटस तो हमें इंडिविजुअल के ही क्वेश्चन करने लीगल स्टेटस होगा इंडिविजुअल फिर हमें लिखना है असेसमेंट ईयर क्या है हमारा असेसमेंट ईयर 2020 21 देन इज प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर है हमारा 2019 2020 थाउजेंड ट्वेंटी

नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपके कंडीशन तो फिलहाल मैं यहां पे कंडीशन नहीं लिख रहा हूं आपको कंडीशन सारे के सारे सेम कॉपी करने हैं जो हमने लास्ट सेशन में देखे थे कंडीशन कॉपी करने के बाद कैलकुलेशन हमारा सेकेंड फॉर्मेट होता है सो सेकेंड स्टेप है हमारा कैलकुलेशन देखो ये फॉर्मेटिंग है यह आपको हर बार ऐसे ही प्रिपेयर करना है नंबर फर्स्ट इज पीरियड नंबर सेकेंड इज नंबर ऑफ डेज नंबर थर्ड इज सीरियल नंबर का कॉलम सीरियल नंबर के बाद है हमारा कॉलम ईयर्स का और उसके बाद हमारा कॉलम रहेगा टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज उसके बाद हमारा कॉलम रहेगा रेसिडेंशियल स्टेटस तो जब कभी भी आप रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन सॉल्व करो दिस शुड बी योर फॉर्मेट अब ये ईयर्स हमें कैसे लिखने हैं ये हर क्वेश्चन में ईयर्स सेम आएंगे ईयर्स हमें कैसे लिखना है हमारा जो ये कॉलम है पीरियड का दैट इज अवर प्रीवियस ईयर वॉट इज अवर प्रीवियस ईयर 2019 2020 सो so, 2019 थाउजेंड 20 यहाँ लिखना है और इसके पहले के 10 साल का इंफॉर्मेशन 18 19 17 18 16 17 से लेके 9 10 तक हमारे 10 साल होते हैं तो ये हर क्वेश्चन में यही ईयर्स आपको लिखना है तो वेन एवर यू राइट यू हैव टू राइट इन दिस मैनर ओनली सो so, अभी हम कुछ लीप ईयर की बात करेंगे लीप ईयर का मतलब होता है जिसमें फेब्रुवरी इज ट्वेंटी नाइन डेज सो कैसे कैलकुलेट करें लीप ईयर को तो देखो किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है जैसे अभी 2020 में लू तो 2020 को हम अगर फोर से डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा ये जो आंसर है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट अगर आंसर आपका राउंड फिगर आया मतलब पॉइंट में नहीं आया तो दैट इज लीप ईयर आप 2020 को चार से डिवाइड करके देखें आपको पॉइंट में आंसर नहीं आएगा लीप ईयर है मतलब इसमें फेब्रुवरी 29 डेज है अगर आप 2019 को चार से डिवाइड करोगे तो आंसर पॉइंट में आएगा मतलब ये लीप ईयर नहीं है तो आपको मैं अभी मार्किंग करके देता हूँ दिस इज द लीप ईयर ये मार्किंग कर लेना आप भी दो हजार में बारह इज द लीप ईयर और उसके पहले भी लीप ईयर है तो वो हमको इसमें लेने की जरूरत नहीं है सो टू थाउजेंड ट्वेल्व इज अप ईयर वेयर वी विल हैव थ्री नॉट पूरे साल में थ्री सिक्सटी फाइव डेज होते हैं लेकिन लीप ईयर ट्वेंटी है इसलिए यहां यू थ्री सिक्स डेज ईयर टू थाउजेंड भी में यूल होंगे. दिस इज द फॉर्मैट पहले क्वेश्चन में सारी चीजें नहीं करने वाले हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं एलेक्स कम्स टू इंडिया ऑन फर्स्ट जून टू थाउजेंड नाइनटीन एंड वॉज इन इंडिया फॉर ट्वेंटी फिफ्थ 2019. टू थाउजेंड नाइनटीन सो इंडिया में वो कब आया था इंडिया में आया था वो जून में और कब तक था इंडिया में सेप्टेम्बर में तो आपको ये कॉलम में क्या करना है सिर्फ मंथ लिखना है यहाँ पे हम लिखेंगे जून यहाँ पे हम लिखेंगे जुलाई यहाँ पे हम लिखेंगे ऑगस्ट एंड यहाँ पे हम लिखेंगे सप्टेम्बर सो so, जून में वो इंडिया में आया था जून से लेके हम काउंट करेंगे तो जून में नंबर ऑफ डेज आपने स्कूल में कैलकुलेट किया होगा फिंगर्स पे हम गिनते हैं थर्टी डेज थर्टी वन डेज थर्टी डेज थर्टी वन डेज तो यू माइट बी नोइंग दैट और दो मंथ्स आपको याद रखना है जुलाई और अगस्त जुलाई एंड ऑगस्ट ये थर्टी वन डेज एंड डिसंबर और जनवरी विल हैव थर्टी मन बट डिस में थर्टी दिसंबर सबको पता है वी सेलिब्रेट दैट एंड थर्टी जनवरी भी सबको पता है तो थर्टी फर्स्ट जनवरी थर्टी फर्स्ट डिसंबर दोनों में थर्टी वन डेज है और जुलाई और अगस्त आपको याद रखना है तो जून में नंबर ऑफ डेज कितने थर्टी जुलाई में नंबर ऑफ डेज कितने थर्टी वन ऑगस्ट में नंबर ऑफ डेज कितने थर्टी वन सेप्टेंबर में नंबर ऑफ डेज कितने ट्वेंटी फाइव वाई आई हैव रिटर्न ट्वेंटी फाइव लेट एस चेक बिकॉज वो जो पर्सन है पच्चीस तारीख तक ही इंडिया में था और उसके पहले वो इंडिया में नहीं था तो पच्चीस तारीख तक ही वो इंडिया में था अब हमको इसका टोटल करना है तो इसका अगर टोटल करेंगे तो दैट विल बी हंड्रेड एंड डेज तो एक सौ सत्रह दिन यहाँ पे कैलकुलेशन आ चुका है ये जो पॉइंट है इसके बारे में फ़िलहाल कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम यहाँ पे डैश लिखते हैं नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल सो डैश और जहाँ पे भी डैश लिखेंगे वहाँ पे आपका रेसिडेंशियल स्टेटस बनेगा एनआर ट्वेंटी -20. हमें कंक्लूजन किसका लिखना है हमें कंक्लूजन लिखना है टू थाउजेंड नाइन ट्वेंटी का वी आर नॉट गोइंग टू राइट एनी कंक्लूजन ऑफ द प्रीवियस वी आर गोइंग टू इग्नोर लेकिन जो भी हमारे सेक्शन सिक्स सिक्स के कंडीशन थे उसके लिए यह सब जरूरी है इसलिए हमने यहाँ पे डिटेल लिखा है अब कंडीशन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या था कंडीशन नंबर वन टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी में कितना दिन रहना चाहिए 182 days or more. अगर नहीं रहता होगा तो नंबर सेकेंड क्या था कंडीशन दिन रहना चाहिए थ्री सिक्स डेज और मोर ओके में ही शुड स्टे फॉर हाउ मेनी डेज मिनिमम सिक्सटी डेज और मोर अस चेक नाउ पहला कंडीशन अप्लाई करता हूं 2019-20 हाउ मेनी डेज 182 डेज यहाँ पे कितने दिन है 117 दिन मतलब पहला कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड सो सिंस इज स्टेइंग फॉर 117 डेज एंड वी हैव सीन ओवर हियर द रूल सेज 182 डेज तो कंडीशन नंबर वन इज नॉट सेटिस्फाइड दैट मींस वी नीड टू गो फॉर दिस और वाला कंडीशन और कंडीशन सेज फोर ईयर्स प्रायर थ्री सिक्सटी का मतलब ये नीचे से कैलकुलेट करना है वन टू थ्री फोर इन चारों साल में वो इंडिया में कितने दिन रहना चाहिए वो इंडिया में रहना चाहिए थ्री सिक्सटी फाइव डेज बट यहां पे तो जीरो डेज है इसका मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं है ये दोनों के दोनों कंडीशन हमारे सेटिस्फाइड होने चाहिए यहां पे एंड है तो दोनों के दोनों कंडीशन हमारे सेटिस्फाई थ्री सिक्सटी फाइव नहीं हो रहा है लेकिन ये सिक्सटी वाला हो रहा है क्योंकि यहां पे देखो ये सिक्सटी से ज्यादा है दिस इज मोर देन सिक्सटी बट फोर ईयर्स प्रायर ही इज नॉट सेटिस्फाइंग थ्री सिक्सटी फाइव मतलब ये दोनों कंडीशन होने चाहिए ये दोनों कंडीशन नॉट सेफाइड सो दिस इज नॉट सेटिस्फाइड द अब वन इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड देन ही विल बी कॉल्ड एज डायरेक्टली नॉन रेसिडेंट उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम बोलेंगे नॉन रेसिडेंट अभी हम कंक्लूजन लिखने वाले है. ध्यान से देखो कंक्लूजन कैसे लिख रहा हो तो उस बेस पर आपको हर क्वेश्चन में कंक्लूजन लिखना है ओके okay? चलो कंक्लूजन वी विल राइट नाउ कंक्लूजन क्या है Mr. Alex is not satisfying the condition as per section six one. Hence, he will be. कॉल्ड एज नॉन रेसिडेंट तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नॉन रेसिडेंट बनने वाला ठीक है सो दैट वॉज रेक्स लिमिट दैट वॉज द क्वेश्चन ऑफ एलेक्स लिमिटेड सो थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया आ जाए इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा इजीली है अब हम सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है देखते कैसे किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है एलेक्स नाम का पर्सन है

आपको क्या लिखना है ऊपर में हमने लिखा था नेम ऑफ द असेसी सो वो आप अपने बुक्स में लिख लेना नेम ऑफ द असेसी मिस्टर रेक्स लीगल स्टेटस इंडिविजुअल सेम कॉपी करना है जो हमने किया था लीगल स्टेटस इंडिविजुअल असेसमेंट ईयर 2021 प्रीवियस ईयर 1920 कंप्यूटेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस दिस विल बी सेम फॉर ऑल द क्वेश्चंस फाइन नेक्स्ट वी हैव टू राइट नंबर सेकंड में हमें क्या लिखना है नंबर सेकंड में यहाँ पे आपको कंडीशंस कॉपी करने हैं सो वॉट एवर कंडीशंस वी हैव सीन फॉर सेक्शन सिक्स वन एंड सेक्शन सिक्स सिक्स दैट वी हैव टू राइट इट ओवर हियर ठीक है अभी कैलकुलेशंस देखते हैं तो देखो आप मैंने जैसे पहले किया था वैसे ही मैंने फॉर्मेट बना के रखा है सो so दैट आपका भी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाए फॉर्मेट में आपका टू थाउजेंड -20 जो है दैट विल बी इन द फर्स्ट कॉलम एंड नंबर ऑफ डेज आई एम गोइंग टू कैलकुलेट दैट

आपको अगस्त से गिनना है वो इंडिया में कब से आया है अगस्त और मार्च तक था तो पहले हम मंथ लिख लेते हैं अगस्त सितंबर देन अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब एंड मार्च ओके ही केम इन द मंथ ऑफ अगस्त सो आई एम काउंटिंग फ्रॉम अगस्त इफ ई कम्स इन द मंथ ऑफ डिसम्बर एल बी काउंटिंग फ्रॉम डिसेंबर तो जब वह भी वो पर्सन इंडिया में आएगा तब से हमें काउंट करना है ठीक है ऑगस्ट में कितने थे हमारे नंबर ऑफ डेज ऑगस्ट में हमारे नंबर ऑफ डेज है थर्टी वन सेप्टेंबर थर्टी ऑक्टोबर थर्टी वन नवंबर थर्टी डिसम्बर इज थर्टी वन जनवरी थर्टी वन फेब्रुवरी ट्वेंटी नाइन बिकॉज इट्स अ लीप ईयर ट्वेंटी नाइन डेज फेब्रुवरी में आएंगे यहाँ पे चार साल में एक बार आएंगे फर्दर मार्च में वो कब से कब तक था पच्चीस तारीख तक तो ट्वेंटी फाइव डेज नाउ हैव टू टेक द टोटल ऑफ दिस इसका टोटल आपको करना है तो इसका टोटल करेंगे दैट कम्स टू टू हंड्रेड एंड थर्टी एट डेज ओके आफ्टर राइटिंग दिस मच आपके क्वेश्चन में आपको देखना है देखो क्वेश्चन में यहाँ पे नंबर ऑफ डेज दिए तो एटीन नाइनटीन में कितने दिन है एटीन नाइनटीन में है वन नाइनटी फोर डेज उसके बाद 2017-18 में कितने दिन है 2017-18 में है 200 हंड्रेड डेज देन आफ्टर दैट 365 सिक्सटी फाइव थ्री सिक्सटी फाइव डेज देन थ्री हंड्रेड डेज बाकी के सालों में यहाँ पे डैश आएंगे ओके सो so, जहाँ पे भी डैश है मैंने आपको क्या बताया था जहाँ पे भी डैश है वहाँ पे हम एनआर लिखेंगे जहाँ पे अमाउंट है वहाँ पे फिलहाल मैंने कुछ नहीं लिखा है अभी हम देखते हैं कंडीशन सो so, क्या था हमारा कंडीशन नंबर वन सो वट वॉज अवर कंडीशन नंबर वन

वो इंडिया में कितना दिन रहना चाहिए थ्री सिक्सटी फाइव डेज ही शुड स्टे इन इंडिया एंड दो हजार उन्नीस बीस में कम से कम सिक्सटी डेज से ज़्यादा रहना चाहिए सो ही शुड स्टे फॉर मोर देन सिक्सटी डेज इन दैट प्रीवियस ईयर एंड फोर ईयर्स प्रिसीडिंग ही शुड स्टे फॉर थ्री सिक्सटी फाइव डेज तो यहाँ पे तो ये कंडीशन की जरूरत नहीं है वन एटी टू वाला ऑलरेडी सेटिसफाई हो रहा है सो वन एटी टू सेटिस्फाइड मतलब क्या बनेगा रेसिडेंट बनेगा अब रेसिडेंट बनता है तो हमने दो बातें सीखी थी नंबर वन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट एंड नंबर सेकेंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट अब देखते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको एक एक करके यहां पे मैंने कुछ लिखा नहीं है अभी हम लिखेंगे 194 नाइन्टी फोर इज इड मोर देन वन एटी से ज्यादा रहेगा तो आर लिखेंगे कम रहेगा तो फिर ये दो कंडीशन अप्लाई करने पड़ेंगे फिलहाल यहां पे ऐसा मैंने नहीं लिया है आपको कंफ्यूजन ना हो 194 तो हमें देखना है क्या 194 182 से है? Yes नाइनटी फोर तो यहाँ पे हम R लिखेंगे आर का मतलब रेसिडेंट 200 हंड्रेड इज इट मोर देन एटी टू ये हम आर लिखेंगे 365 is also more than 182, यहाँ पे भी आर लिखेंगे 300 हंड्रेड इज ऑल्सो मोर देन एटी टू यहां पे भी आर लिखेंगे अभी इसको हमने आर लिखने के बाद सिक्स सिक्स के कंडीशन सिक्स सिक्स जो हम आर ओ आर के लिए अप्लाई करते हैं नंबर वन टू आउट ऑफ टेन प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर ही शुड बी अ रेसिडेंट इसका मतलब पिछले दस सालों में किसी भी दो साल में वो इंडिया का रेसिडेंट बनना चाहिए एंड एंड क्या है सेवन ईयर्स ही शुड स्टे फॉर सेवन हंड्रेड एंड थर्टी डेज और मोर तो सेवन थर्टी डेज या उससे ज्यादा रहना चाहिए तो अकॉर्डिंगली सेवन थर्टी डेज से ज्यादा रहता होगा तो वो क्या बनेगा आर ओ आर बनेगा अभी देखते हैं इसका टोटल करेंगे पहले फाइव प्लस फोर एज नाइन नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन थ्री प्लस थ्री सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो यहाँ पे कितने आएंगे वन जीरो फाइव नाइन डेज देखो वन जीरो फाइव नाइन डेज है सेवन थर्टी से ज्यादा है ठीक है अभी देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है देखो कंडीशन नंबर वन सो वॉज कंडीशन नंबर वन टू आउट ऑफ टेन ही शुड रेसिडेंट तो ये चेक करो अगर हम देखे तो यहां पे वन टाइम टू टाइम थ्री टाइम फोर टाइम हमको कितने टाइम चाहिए सिर्फ दो बार चाहिए सो so दस साल में किसी भी दो बार वो रेसिडेंट होना चाहिए यहां पे तो चार बार रेसिडेंट है फोर टाइम्स बट वी रिक्वायर मिनिमम टू टाइम्स कंडीशन नंबर वन सेटिस्फाइड एंड सेवन ईयर्स में सेवन थर्टी सेवन ईयर्स मतलब आपको नीचे से गिनना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये जो ईयर्स है इन ईयर्स का टोटल 730 दिन से ज्यादा होना चाहिए 730 दिन से ज्यादा है हमने कल कर लिया यहां पे 1059 जीरो फाइव नाइन डेज सो सेवन ईयर्स में 730 थर्टी डेज से ज्यादा है दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइड इसका मतलब ये जो रेक्स नाम का पर्सन है वो क्या बनेगा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट अगर ये सेटिस्फाई ये कंडीशन नहीं करता तो वो क्या बनता रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी प्रेसिडेंट अभी हम कंक्लूशन लिखेंगे मिस्टर एलेक्स मिस्टर रेक्स मिस्टर रेक्स सैटिस्फाइज सेटिसफाइड द कंडीशन एस पर सेक्शन सिक्स वन एंड सिक्स सिक्स हैंस ही विल बी कॉल्ड एज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट सो ये था इसका कंक्लूजन इसी तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली हमको नॉन रेसिडेंट मिला सेकेंड क्वेश्चन में हमको रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट मिला अब हम थर्ड क्वेश्चन में जब जाएंगे तब हम और नया टाइप का सॉल्विंग करेंगे यहाँ पे नो नंबर ऑफ डेज सीधे 182 से ज्यादा थे जब 182 से कम होंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन अलग होता है दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन टू कम थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नए पॉइंट्स के साथ थैंक यू बाय टेक केयर